हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आटे की बहुत ही सॉफ्ट एंड टेस्टी बर्फ़ी, इसे सुखड़ी भी कहते हैं। तो इसके बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने का दो तीन तरीका है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है उसे मैं आज फॉलो करके आपको बताऊँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने गुड़ लिया है, और जितनी क्वांटिटी में आप गुड़ लें उतने ही क्वान्टिटी में आप आटे लें। बिल्कुल वो आटा आपको इस्तेमाल करना है जिससे हम रोटी बनाते हैं। साथ ही हम घी ऐड करेंगे, पैन को गर्म करेंगे, घी को ऐड करेंगे। घी की मात्रा भी आप आधे कटोरी रखें। अगर आप एक कटोरी आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा कटोरी घी आपको लेना है। घी की क्वांटिटी अधिक होती है। तो ये देखिए, इस कटोरी से मैंने एक कटोरी आटा लिया है, आधा कटोरी घी, और सेम क्वांटिटी में इसी कटोरी से एक कटोरी का गुड़ लगेगा हमें। अब हम गर्म किए हुए घी में इसे ऐड कर दे रहे हैं, और बिल्कुल आपको धीमा धीमा करके इसे मिक्स करना है। अभी ये ऐसा दिख रहा है, बट बहुत ही परफेक्टली ये मिक्स हो जाएगा, और इसे लाइट ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है, बहुत अच्छे से भूनना है इसे। तो सबसे पहले चलिए हम इसे घी को मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। तो आपने अगर आटे की बर्फ़ी या आके आटे की सुखड़ी ट्राई नहीं की रही होगी तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी के साथ। तो ये देखिए, पूरे घी मिक्स होने के बाद इसका टेक्सचर कैसा आ गया। अभी इसे हमें और भी भूनना है, क्योंकि जैसे हम इसे भूनते रहेंगे तो इसे घी रिलीज होगा, और घी रिलीज होने के बाद इसका टेक्स्चर थोड़ा लूज़ हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे आटे को भूनते रहना है घी में। इसका बेस्ट पार्ट यही होता है कि इसे भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। आप कभी भी किसी से इसकी मिठाई जब बनाते हो, सूजी हो गया या, तो उसका सबसे मेन पार्ट होता है उसको भूनना। तो ये देखिए, घी रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये रेसिपी बना के आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और घर में बहुत ही फटाफट गुड़ से बनती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखिए, यहाँ पे घी लूज मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से। तो इस कंडीशन में हम गुड़ को ऐड कर देंगे और दो मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि हमारा गुड़ मेल्ट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा भी मेल्ट नहीं करना है हमें, बट अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, और कटोरी या चम्मच के सहारे से इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे हम, और गरम गरम में ही इसे पीसेस के आकार में कट कर लेंगे, और ठंडा होने के बाद हम इसे निकालेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, मैं आगे आपको तोड़कर भी इसके पीसेस को दिखाती हूँ, कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।